बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट विकेट शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट आतिफ अनवर और मैं हूं इकरा हफीज। जी, 3 टेस्ट मैच की सीरीज में पहले मैच होने के बाद दूसरा टेस्ट मैच जो है वो मुल्तान में कल शुरू हो गया था और इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया। जैसे पहले मैच में उन्होंने टॉस जीता था, इस मैच में भी उन्होंने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे इंग्लैंड बैटर्स दूसरे सेशन से कबल ही ढेर हो गए और माशाल्लाह बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी बॉलर्स की और स्पिनर्स की, ख़ास तौर पर मुल्तान टेस्ट में। और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 16 साल बाद खेले जाने वाले टेस्ट क्रिकेट के पहले रोज़ इंग्लैंड की पूरी टीम 281 रन बनाकर आउट हो गई थी और पाकिस्तानी स्पिनर्स ने पहली इनिंग्स में इंग्लिश बैटर्स को दबोच लिया। दूसरा सेशन ख़त्म होने से कबल ही इंग्लैंड टीम के सारे खिलाड़ी 51 ओवर्स और 4 गेंदें खेलकर 281 रन पर जो है वो पवेलियन लौट गए थे और मैच में इंग्लिश खिलाड़ी जैक क्रॉली और मैन डिकेट ने ओपनिंग की, लेकिन दोनों की पार्टनरशिप 9 ओवर्स भी मुकम्मल जो है वो ना कर सकी और इब्रार अहमद ने अपने पहले ओवर में ही जैक क्रॉली को 19 रन के साथ बोल्ड कर दिया, जिसके बाद इब्रार ने 19वें ओवर में बैन डेकेट की विकेट लेते हुए इंग्लैंड की अहम पार्टनरशिप जो है वो भी तोड़ दी थी। हाँ, बिल्कुल ठीक सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर बात कीजिए जो इनमें इब्रार ने जो बहुत अच्छी किया, जो कल का मैच हुआ है उसमें जो उसने स्टार्ट लिया है वो बहुत अच्छा किया है और इसमें जो स्पिन बॉलर इब्रार ने ही जो बैन डेकेट को 63 और जो रूट को 8 रन और ओली पॉप को जो है 60 और हैरी ब्रॉक को सिर्फ 9, कप्तान जो उनके बैन स्ट्रोक्स को 30 और वेल जैक्स को जो है 31 रन पर पवेलियन की राह उन्होंने दिखा दी थी और इब्रार की जो है 7 विकेटों के बाद इंग्लिश टीम के 3 विकेट्स जो है जायद महमूद के हिस्से में आई थी और जो जायद महमूद ने ओली रॉबिन्सन को सिर्फ जो है 5 जबकि जैक लिच को पहली ही गेंद पर जो है पवेलियन भेज दिया था और उसके बाद जो इंग्लिश खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने जो है 7 रन पर जाहिद महमूद की गेंद पर ही वो बोल्ड हो गए थे। जी माशाल्लाह, और इब्रार की तरफ से बहुत एक शानदार परफॉर्मेंस थी यहाँ पर और माशाल्लाह से उनका डेब्यू था और डेब्यू में माशाल्लाह इतनी अच्छी उनकी एक तो किस्मत भी थी और जाहिर सी बात है फिर उनकी वो स्ट्रगल थी उनको सिला मिला और फिर जो है पाक इंग्लैंड जो प्लेइंग 11 थी पाक इंग्लैंड की उसमें पाक इंग्लैंड के खिलाफ कौमी टीम की जो प्लेइंग 11 थी उसमें मोहम्मद अजहर अली और नसीम शाह और हारिस रऊफ को ड्रॉप करके और मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ और इब्रार अहमद को जो है वो शामिल किया गया इस बार। मतलब नसीम शाह और हारिस रऊफ तो चूँकि इंजर्ड थे इस वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया और अजहर अली भी इंजर्ड थे, उनके भी थंब की इंजरी थी उनको, उसकी वजह उनको भी यहाँ पर ड्रॉप कर दिया था। और अगर बात की जाए इंग्लैंड की टीम की तो उसमें जो है लियाम लिविंगस्टन को आउट करके जो है मार्क वुड को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया था जबकि दूसरे टेस्ट में बेन फॉक्स की जगह जो है ओली पॉप जो है विकेट कीपिंग करेंगे, ये डिसीजन लिया गया था। जी बिल्कुल, ये डिसीजन लिया गया था। फिर इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन बॉलर इब्रार अहमद उमदा जो है उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि बॉलिंग करते हुए इंग्लैंड की 7 और जाहिद महमूद 3 विकेट लेने में जो है वो कामयाब रहे थे पहले रोज और माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने गेम खेला था, अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा, वैसे टॉस के मौके पर जो है बात की गई थी उसमें गुफ्तगू में कौमी टीम के जो कप्तान हैं बाबर आजम का, उनका कहना था कि जो टीम में फहीम अशरफ और जो इब्रार अहमद की वापसी हुई है और अगर हम टॉस जीत जाते तो हम भी मतलब पहले बैटिंग ही करते और इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले स्पिनर इब्रार अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलेन मुश्ताक ने टेस्ट कैप दी थी और इस मौके पर जो है इब्रार अहमद का ये भी कहना था कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, इसी दिन के लिए मैंने मेहनत की थी, खुशी का इजहार लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकता, तमाम चाहने वालों से दुआ है कि वो पाकिस्तान की टीम के लिए और मेरे लिए भी दुआ करें। और रावलपिंडी में खेले गए मैच में पाकिस्तान की जानिब से जो लेग स्पिनर जाहिद महमूद, हारिस रऊफ, सऊद शकील और मोहम्मद अली ने डेब्यू किया था। जी बिल्कुल, उन्होंने डेब्यू किया था पहले मैच में और फिर दूसरे मैच में अभी जैसा कि आपको बताया कि इब्रार अहमद ने किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन यहाँ पर जो है सर एक बहुत अजीब किस्म की एक वाकया भी हुआ पहले रोज, एक इंटरेस्टिंग किस्म का भी आप वाकया उसको कह सकते हैं। पाकिस्तानी अंपायर जो हैं अपने अलीम डार, उनके 3 फैसले जो हैं वो कंटिन्यूसली गलत साबित हुए, उसके बाद वो ट्विटर पर ट्रेंड भी करने लगे और अंपायर अलीम डार दुनिया भर में अपने सही फैसलों की वजह से ही माने जाते हैं। मतलब उनको ऐसी बात है जाने इस वजह से जाता है कि उनके फैसले होते हैं वो बहुत ज़्यादा
सही होते हैं और उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो बहुत ज़्यादा उनको ज़ाहिर सी बात है वो ट्रेंडिंग पर भी जा रहे हैं। और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाक इंग्लैंड मैच के जो पहले सेशन में इब्रार अहमद की शानदार बॉलिंग ने इंग्लिश टीम के 5 खिलाड़ी पवेलियन उठा दिए। ताहम इब्रार की 3 गेंदों पर जब बॉलर और पाकिस्तान टीम की जानिब से आउट की अपील की गई तो अलीम डार ने नॉट आउट करार दिया। कप्तान बाबर आजम ने फिर रिव्यू लिया तो पता चला कि खिलाड़ी जो हैं वो आउट थे। ये एक बार नहीं बल्कि इस मैच में जैसे पहले बताया कि 3 बार तीन हुआ। बार हुआ था। ऐसे में अलीम डार जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड भी करने लगे और कुछ लोगों ने फिर मेम्स भी बना डाली। इसके अलावा कुछ लोगों ने तबसरे भी बहुत हैं वो दिलचस्प तबसरे भी किए। उसमें एक सारिफ ने लिखा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, अलीम डार गिविंग रॉन्ग डिसीजंस वाइल बाबर टेकिंग राइट रिव्यूज। एक और सारिफ ने तो ये भी लिखा हुआ था कि अलीम डार को एक ही ओवर में 2 मरतबा अपने फैसले तब्दील करना पड़े, मैंने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। जी बिल्कुल। और उसके बाद एक और साहिब ने लिखा कि अलीम डार के एक ही ओवर में 2 बार फैसले तब्दील करने के बाद अब क्या देखना रह गया है, अब एलियन हमारे सियारे पर आएंगे बस। ये बिल्कुल, ये तो एक लोगों ने बहुत सारे तबसरे भी किए इसमें। जी अच्छा, इंग्लैंड के खिलाफ जो मुल्तान टेस्ट में जो डेब्यू करने वाले इब्रार अहमद अपनी पहली इनिंग्स में अब तक जो है 7 विकेटें ले चुके हैं और वो पहले टेस्ट में 7 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के 13वें बॉलर और पहले स्पिनर बन गए हैं। पहले स्पिनर बन गए हैं, मतलब इनसे पहले भी जाहिर सी बात लोगों ने किया है लेकिन स्पिनर्स में इनका जो है पहला नंबर है क्योंकि 7 विकेट है। अलीम डार भी मेरे ख्याल से इसी वजह से वो भी कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि 7 विकेट्स मतलब डेब्यू में एक बिल्कुल, जब बॉलर लेता है तो जाहिर सी बात है, बल्कि अलीम डार ही नहीं कोई और भी होता है इस जगह पर तो वो भी जाहिर सी ये बात है बहुत बड़ी कंफ्यूज हो जाता है। हम अचीवमेंट भी है। जाहिर सी बात है शौक में थे और इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस की। उसके बाद फिर इब्राहिम अहमद से कबल जिन 12 खिलाड़ियों ने डेब्यू टेस्ट में 5 विकेटें ली थी इनमें मोहम्मद जाहिद, नज़ीर जूनियर, बिलाल आसिफ, आरिफ भट्ट, तनवीर अहमद, शाहिद अफरीदी, शाहिद नज़ीर, वहाब रियाज, यासिर अरफात, शबीर अहमद, मोहम्मद समी और नौमान अली भी जो है इनसे पहले ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। जी, और मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन जो है पाकिस्तान टीम की बैटिंग जो है जारी है और कौमी टीम ने पहले सेशन में ही 6 विकेटें गंवा दी हैं। हाँ जी और दूसरे बिल्कुल। रोज़ जो उनके पहले सेशन में कप्तान बाबर आजम जो है 75, सऊद शकील जो है 63, मोहम्मद रिजवान 10 और उसके बाद जो है मोहम्मद नवाज 1 रन बनाकर आउट हो गए। क्रीज पर अब जो है फहीम अशरफ और आगा सलमान मौजूद हैं जबकि कौमी टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 52 ओवर्स पर 169 रन जो है वो बना चुकी है। जी ये 169 नहीं बल्कि अब तो वो सेशन जो है वो ख़त्म हो गया और उन्होंने 202 रन जो है वो टोटल बनाए हैं 62.5 ओवर्स में। फिर जी खैर दूसरे रोज़ का आगाज़ के बारे में आपको थोड़ा बताते चलें कि दूसरे रोज़ मैच का आगाज़ हुआ पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 107 रन के साथ किया था दूसरे रोज़ का आगाज़। और पहले सेशन में कप्तान बाबर आजम इंग्लिश बॉलर ओली रॉबिन्सन की गेंद पर जो है वो 75 रन पर बोल्ड हो गए, जिसके बाद साउथ शकील जैक लीच की गेंद पर जेम्स एंडरसन को कैच दे बैठे और फिर 63 रन के साथ पवेलियन लौट गए। और फिर मोहम्मद रिजवान को भी जैक लीच ने बोल्ड कर दिया था यहाँ पर। जी, और जिसके बाद पहले रोज़ पाकिस्तान टीम से जो है अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज़ किया था लेकिन फिर 5 रन पर इमामुल हक बगैर कोई रन बनाए जो है वो आउट हो गए थे। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जी बिल्कुल। फिर जी इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो 281 रन पर तो पहले दिन आउट हो चुकी थी और पाकिस्तान की फिर जो है वो 202 रन बनाकर आउट हो चुकी है और अच्छा, 79 रन जो है वो उनसे पीछे है पाकिस्तान की टीम। अब वो 79 रन लीड पर है इस वक्त और पहला सेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ तक। और अब अभी तो जाहिर सी बात लंच हो रहा है, इसके बाद फिर दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, फिर उसमें देखते हैं कि इंग्लैंड की क्या कारकर्दगी होगी, क्या परफॉर्मेंस होगी। और ये इंशाल्लाह ताला जैसे पहले पाकिस्तानी बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दिखाई, इब्रार ने परफॉर्मेंस दिखाई, जाहिद महमूद ने परफॉर्मेंस दिखाई, इंशाल्लाह अभी जो दूसरा सेशन स्टार्ट होगा इसमें भी ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और एक दफ़ा फिर ना सिर्फ अलीम डार को बल्कि हम सबको एक दफ़ा फिर वो शॉक करेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये ये मैच वाला मैच पाकिस्तान तो जीत ये जाए। वाला मैच तो जीतना चाहिए, ये वाला मैच तो आप जाहिर सी बात है पहले बॉलर्स ने इतनी हिम्मत की और इतना कम स्कोर पे उनको सारी टीम को जो है वो पवेलियन लौटा दिया आउट तो किया था। अब यहाँ पर बैटिंग की तरफ से हमें इतना कुछ परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। इतने कम स्कोर में जब बिल्कुल, बॉलर्स ने इतनी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, इतनी कोशिश की उन्होंने, तो यहाँ पर बैटिंग की तरफ से भी थोड़ा सा उनको भी देखना चाहिए था, उनको भी परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, थोड़ा ठहर के खेलना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए, आराम आराम से खेलना चाहिए। और जाहिर सी बात है इंग्लैंड भी प्लान के साथ उतरी थी जब 281 रन पर उनकी पूरी टीम जब आउट हुई है
इंग्लैंड भी अपने प्लान के साथ उतरी कि उनको जल्द से बिल्कुल जल्द वो आउट करें और फिर जो है नए सेशन का आगाज़ हो, मतलब उनकी इनिंग्स का दोबारा से आगाज़ हो। तो इंशाल्लाह अभी जो अगला सेशन स्टार्ट होगा इसमें भी बॉलिंग की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस होगी और उम्मीद यह है कि बैटिंग की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे और इंशाल्लाह ये जो मैच है इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे और आपको हम आगाह करते रहेंगे आगे जो अपडेट्स होंगी मैच की, आगे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे मैच के उसके बारे में भी आगाह करते रहेंगे आपको। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।